मोदी एट 20 पुस्तक के परिचयात्मक कार्यक्रम में उपस्थित भुवनेश्वर के सभी गणमान्य भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं जब जब भी उड़ीसा की भूमि पर आता हूं तो हमेशा मन में एक सुखद शांति और संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि ये महाप्रभु की भूमि है और महाप्रभु स्वयं इस भूमि पर विराजमान है। और मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर महाप्रभु के शरण में जाने की परंपरा है। अहमदाबाद में भी कई सालों से रथ यात्रा निकलती है और महाप्रभु का मंदिर वहाँ पर भी विराजमान है। मैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जब चुनाव लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब उड़ीसा के धौली गांव से ही मैं सक्रिय सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। ऐतिहासिक गांव में हमेशा जब जब कोई भी जाता है स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की, स्वतंत्रता के लिए खत्म हो जाने की भावना कितनी प्रदीप्त और प्रज्वल होती है, इसका अनुभूति होता है। वहीं पर कहने को तो कलिंगवासी पराजय हुए थे, मगर सार्थ अर्थ में पराजित चंड अशोक हुए थे। वो युद्ध वही भूमि पर लड़ा गया था। मित्रों, आज मोदी एट 20 पुस्तक के परिचय हेतु आज हम सब इस सभागार में और इसके नीचे एक सभागार में वर्चुअल मोड से एकत्रित आए हैं। मोदी जी के लिए कुछ भी कहना, कुछ भी बात करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व को कुछ चंद मिनटों में, कुछ चंद शब्दों में समाहित करना वो बहुत कठिन काम है, किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन काम है। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसलिए ज़्यादा कठिन है कि मैंने कई सारे संघर्षों में उनके नेतृत्व के गुणों को संघर्ष से उस और संघर्ष को मौके में परिवर्तित करते हुए देखा है, नज़दीक से देखा है। तो मोदी जी के व्यक्तित्व को, उनके 50 साल के सार्वजनिक जीवन को समाहित करना बहुत कठिन है, और ये यात्रा एक बहुत कठिन और बहुत सारे डायमेंशन रखने वाली यात्रा है। इसके इतने परिमाण हैं कि जिसको शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। मित्रों, आज मैं मोदी जी के जीवन पर जो सार्वजनिक हिस्सा है उस पर लिखी हुई एक पुस्तक के परिचय के लिए खड़ा हुआ। मोदी एट 20 का मतलब है मोदी जी जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक 20 साल तक मोदी जी ने इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की सार्वजनिक जीवन को मजबूत करने के लिए, पहले गुजरात राज्य और फिर देश को इस महान बनाने के लिए, इस देश की समस्या को समूल उखाड़ फेंकने के लिए, समस्या का समाधान ढूंढते हुए और सफलता के साथ समग्र विश्व के अंदर देश के गौरव को प्रस्थापित करते हुए जो गाथा लिखी गई वो मोदी एट 20 है। मगर कोई मोदी एट 20 को समझना चाहता है, एक ऐसा नेता जो कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था, इसको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री बनकर 20 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाते सफलता की सब शिखरों को सर करता है। अगर उसको समझना है तो इसके पहले के 30 साल देखना बहुत जरूरी है। 20 साल तो सबने देखे हैं, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे। जो चुनौती आई वो भी सार्वजनिक रूप से आई, जो सिद्धि आई वो भी सार्वजनिक रूप से आई। मगर जो चुनौतियां और सिद्धि का सामना करना और सिद्धियों को प्राप्त करना, ये जो कला है वो कला कहां से आई, अगर वो समझना है तो वो 30 साल की उनकी यात्रा
जो एक कार्यकर्ता नाते की गई, एक स्वयंसेवक नाते की गई, एक मूक समाज सेवक ये नाते की गई, इसके अंदर जाना पड़ेगा। मित्रों 30 साल तक गुजरात और देश के चप्पे चप्पे में उन्होंने भ्रमण किया, संगठन को बनाने का काम किया, समाज की समस्या को समझने का काम किया, दिन रात समस्या का समाधान क्या होता है इसका चिंतन करने का काम किया और व्यक्तियों को परखने का भी काम किया। राजनीतिक दल में काम करते करते, इसके संगठन को घड़ते घड़ते, अनेक प्रकार के लोगों को परिचय करते, सबको संगठन के काम में कैसे समाहित कर सकते हैं वो कला को भी वहीं पर उन्होंने 30 साल के अंदर आत्मसात किया। और आपदा को अवसर में कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी वो 30 साल की यात्रा के अंदर ही सीखने मिला है। जब तक मोदी जी के अगले 30 साल को नहीं समझते हैं, ये 20 साल का परिचय किसी को भी अच्छे से नहीं होता है। मित्रों क्योंकि मैंने उनके साथ लंबे समय से काम किया है, मैंने अनेक समय पर उनको देखा है कि बुरे से बुरे वक्त में आशा रखते हुए, प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए, उसमें से मोदी जी को सफलतापूर्वक बाहर निकलते हुए मैंने देखा। एक आदर्शवादी नेता जो लक्ष्य के अलावे, देश के अलावे, देश के गौरव और देश के भले के अलावे किसी की चिंता न करता हो, इस प्रकार के आदर्शवादी नेता का परिचय उसी 30 साल के अंदर हुआ है मित्रों। और जब अगर उनकी लड़ाई को आज समझते हैं, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी का कंट्रीब्यूशन अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, मगर मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी करने का काम किया है। मैं दो चीजों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। मोदी जी ने जब से वो मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, पार्टी के संगठन का काम देखते थे, तब से इस देश की राजनीति को 60 के दशक के बाद 3 नासूरों ने ग्रसित किया था, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार। ये 3 ऐसे नासूर थे जिसने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास किया था। परिवारवाद के कारण जिसमें कितनी भी क्षमता हो उसको मौका ही नहीं मिलता था। तुष्टिकरण के कारण समाज के अंदर कई वर्गों के बीच में बड़ी बड़ी खाई खड़ी होने लगी थी। और भ्रष्टाचार के कारण समाज की अर्थव्यवस्था और समाज का समाज कल्याण का अभियान खोखला होता जाता था। मोदी जी ने इस 20 साल के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान किया है तो इस लोकतंत्र के अंदर से परिवारवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां थी वो परिवारवाद को अपनी धाती समझकर, अपनी पूंजी समझकर आगे बढ़ती थी। मोदी जी ने इसकी जगह एक और विकल्प खड़ा कर दिया, परिवारवाद की जगह क्षमता की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह परिणाम की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो गुड्स डिलीवर करेगा, लोकतंत्र में वो ही सफल होगा जो परफॉर्म करेगा, जनता उसी को चुनेगी जो परफॉर्म करेगा। और यूपी के अंदर दूसरी बार चुन कर आना भारतीय जनता पार्टी का, 4 चुनाव, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, यूपी जैसा राज्य जहां परिवारवाद जड़ कर गया था, गहरा हो गया था, जातिवाद गहरा हो गया था, उस राज्य में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर कंटिन्यूअसली 4 विजय सातत्यपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त करना, ये बताता है कि इस देश में परिवारवादी पार्टियों की जगह को नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने समाप्त कर दिया। और मैं इस मंच से कोई डर के बगैर कह सकता हूं कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, या तो उनको बदलना पड़ेगा, उनको बार बार, अगर नहीं बदलते हैं तो बार बार पराजय की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस देश की जनता अब परिवारवादी राजनीति को नहीं कर सकती। तुष्टिकरण, एक विशेष वर्ग को विशेष फायदा पहुंचाना, वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना,
और लोकतंत्र के सभी को समान अवसर देने के मूल नियम का उच्छेद करते हुए एक विकास की प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देना। मित्रों, उन्होंने तुष्टिकरण को भी समाप्त कर दिया। आज नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसा आरोप नहीं कर सकता। ढेर सारी स्कीमें जो 80 करोड़ गरीबों के लिए बनी, 60 करोड़ गरीबों के लिए बनी, दोनों प्रकार के वर्ग के लिए बनी हुई स्कीमों में कोई आरोप नहीं कर सकता कि कभी भाजपा का जो समर्थक नहीं है उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, या उसको कभी भी कोई आरोप नहीं कर सकता कि आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। कोई आरोप नहीं कर सकता, सबको समान अवसर मिला है, मगर किसी को विशेष नहीं मिलने दिया, क्योंकि वो मुझे वोट देता है इसलिए उसको ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं किया। तुष्टिकरण की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, इस देश में से भ्रष्टाचार नाम के शब्द पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कर दिया। आज 130 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के शासन के बाद इस विषय पर दृढ़ संकल्पित है कि जो भ्रष्टाचार करेगी वो पार्टियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। तत्काल चाहे थोड़ा सफलता मिल जाए, मगर मोदी जी की जगह 20 पर पहुंचना है तो भ्रष्टाचार इस देश की जनता सहन नहीं करेगी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करी हुई कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के बाद मोदी जी आए हैं, 8 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं, एक भी आरोप नहीं लगा था। और बैकग्राउंड क्या था, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार कर आए हुए। और मित्रों, यही बताता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा कर दिया है। दूसरा, 2012 से 14 का कालखंड याद कीजिए, पूरे देश के अंदर एक प्रकार की शंका पैदा हो गई थी, आत्मविश्वास चला गया था, लोग मानते थे कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था विफल हो गई है, ये हमारे देश को आगे नहीं ले जा सकती है, क्योंकि 10 साल तक यूपीए की जो सरकार चली वो इस तरह से चली जैसे सरकार का कोई प्रधानमंत्री ही नहीं था। लोग ढूंढते थे प्रधानमंत्री कहाँ गायब है, प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था। इस प्रकार की सरकार आ गई, जैसा मैंने कहा 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए, देश में दुनिया में देश की साख नीचे 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 चली जाती थी, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों चरमराई हुई थी, दुश्मन देश से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, दिल्ली के दरबार में किसी के माथे थी उपकर समग्र जनता के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल था कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल होने के कगार पर आ गई है। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को, उनके नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री हम जीतेंगे तो उनके प्रधानमंत्री बनाएंगे ऐसा घोषित कर एक चुनाव लड़े, और देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, 2/3 बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार। और इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, इसके बाद जो परिवर्तन हुआ हम देखते हैं मित्र, भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म, एक निर्णायक नेतृत्व बाहर आया, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हुआ, ढेर सारी पॉलिसियां बनी और देश आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर अगर उन्होंने गलती कर भी ली तो उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दंडित करने का हौसला आज भारत का है। ये गौरव जो पैदा हुआ है जनता के अंदर, उसने वो गवाया हुआ जो आत्मविश्वास था खत्म हुआ, ढेर सारी पॉलिसियां बनी और देश आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के नाम पर अगर उन्होंने गलती कर भी ली तो उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दंडित करने का हौसला आज भारत का है। ये गौरव जो पैदा हुआ है जनता के अंदर, उसने वो गवाया हुआ जो आत्मविश्वास था, गवाया हुआ विश्वास था, उसको पुनर्जीत करा है। आज जन जन मानता है कि हाँ, हमारा देश यही संविधान के तले,
यही लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ सकता है और विश्व में सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर भी हम पहुंच सकते हैं। जनता का ये आत्मविश्वास पैदा करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। और मित्रों, उन्होंने फैसले भी इस तरह से लिए। पहले राष्ट्रपति चुनने का अवसर आया, एक दलित घर के गरीब एडवोकेट को, श्रीमान रामनाथ कोविंद को महामहिम रामनाथ कोविंद बनाकर दलितों के मन में एक विश्वास पैदा करने का काम किया। और दूसरी बार जब मौका आया तो इसी ओडिशा की पावन धरती की बेटी, जनजातियों में सबसे गरीब जनजाति की बेटी और सबसे गरीब के घर में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्थान पर विराजमान। आप कल्पना कर सकते हैं इस समाजों के मन में कितना बड़ा आत्मविश्वास खड़ा होता है। मैं आज ही सुबह बता रहा था एक कार्यक्रम में, मैं संविधान की सभा का पूरा अध्ययन किया है। संविधान सभा में सभी वर्गों को, सभी प्रांतों को, सभी क्षेत्रों को भी समाहित करने का प्रयास किया गया था। एक कमी रह गई थी, इसमें एक भी ट्राइबल महिला नहीं थी। ट्राइबल तो थे परंतु ट्राइबल महिला नहीं थी। आज वही संविधान ने एक दलित, एक गरीब ट्राइबल महिला को देश का राष्ट्रपति चुना है। आज लोगों को साफल्य, संविधान का साफल्य का अनुभव होता है। मित्रों, मोदी जी हमेशा इसलिए सफल होते हैं कि उनके सोचने की गति उद्व गति है, हमेशा उद्व सोचते हैं। जैसे दीपक की लौ हमेशा उद्व दिशा में जाती है, इस प्रकार से मोदी जी की सोच भी हमेशा उद्व दिशा में जाती है। मित्रों, मैं मोदी जी के साथ बहुत समय से काम किया। अंग्रेजी की एक कहावत है मित्र, ब्लड इज थिकर देन वाटर, जो अपना होता है, खून का जिससे रिश्ता होता है, वो दूसरों से ज्यादा प्यारा होता है। हमारा भी अनुभव है, आप लोग सहमत हैं ना इस थियोरी से, ब्लड इज थिकर देन वाटर। मगर मोदी जी ने इस कहावत को उल्टा कर दिया है। उनके परिवार को कोई नहीं जानता, सामान्य आदमी का जीवन जी रहे हैं और पूरा 130 करोड़ की जनता उनका परिवार बन गई है। एक व्यक्ति अपने परिवार को बुलाकर, 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर, जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता है। और दिए की लौ की तरह जलना, हमेशा उद्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देना, मित्रों ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। मैंने उनके साथ रहते रहते एक अति संवेदनशील व्यक्ति को देखा है, जिसके मन में देश के दलित, पद्दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीबों के लिए अपार संवेदनशीलता मैंने देखी है। हर फैसला करते वक्त सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है अंत्योदय की, गरीब कल्याण की, इसके अनुसार सबसे पहले गरीब की सोचना, वो मोदी जी की प्रकृति बन गई है। मैंने उनको एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते भी देखा है। ठीक है, पहले तो काम करते थे, स्कूटर पर दौरा करते थे, कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन करते थे, भारतीय जनता पार्टी और पहले संघ का संगठन का काम देखते थे, मेहनत करना स्वाभाविक था। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब भी चुनाव आता है, मैं दावे से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के देश भर में किसी भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम अगर कोई करता होगा तो नरेंद्र मोदी नाम का कार्यकर्ता करता होगा। एक कर्मठ कार्यकर्ता जब देश का नेतृत्व करता है, एक कर्मठ कार्यकर्ता जब पार्टी का नेतृत्व करता है, तब चुनाव में विजय सुनिश्चित हो जाती है। और ये विजयों की श्रृंखला जो मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ती है, वो उनके कर्मठ कार्यकर्ता के। एक स्टेट्समैन को भी मैंने उनके अंदर देखा है, जो 125 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करता है। जब दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के लिए चर्चा होती है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है
और जलवायु परिवर्तन के लिए जब चर्चा होती है अच्छे अच्छे देश भाग जाते हैं, तब मोदी जी खड़ा होकर कहते हैं कि हमें तो वेदों ने सिखाया है ये दुनिया ये पृथ्वी मेरी माता है, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, भारत पीछे नहीं हटेगा। और शर्म के मारे सारे विदेश के देश वहाँ पर पेरिस समझौते में साइन करते हैं, तब भारत का जन जन का गौरव बढ़ जाता है। यूएन की असेंबली में पहली बार संबोधन करते हुए कहते कि जिन्होंने दवाइयां बनाई है उन्होंने दुनिया का भला किया है, मगर मेरे देश ने एक ऐसी पद्धति बनाई है जिससे दवाइयों की कभी जरूरत ही न पड़े। और योग को योग दिन मनाने का वो प्रस्ताव करते हैं, सिर्फ 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश, 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश योग दिन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और हमारी धाती है, हमारी जो संस्कृति है, ये योग का विज्ञान आज पूरी दुनिया ने स्वीकार लिया है। और योग दिन के दिन भी दुनिया भर के लोग योग करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भारत का नेता अगर आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच के सामने हमारी संस्कृति को हमारे गौरव को रखता है तो इसकी स्वीकृति इतनी ही स्वाभाविक है जितना कोई भी बड़े से बड़े देश का नेता रखता है। मित्रों, टीम लीडर के नाते किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री के नाते इन्होंने कभी भी वहां किस पार्टी की सरकार है नहीं सोचा है। कोरोना में मैंने देखा है विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का भी फोन आता था, तुरंत ही वहां दवाई पहुंचानी हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, वहां मेडिकल की टीम भेजनी हो, वहां असिस्टेंस भेजना हो, कभी भी कुछ नहीं। टीम लीडर के नाते, टीम इंडिया के लीडर के नाते हर राज्य को संरक्षित और संवर्धित करने का हमने देखा है। मित्र बड़े भावुक नेता है, इमोशनल आदमी है। 20 साल से मोदी जी ने दिवाली कभी भी अपने घर पे नहीं निभाई है, मनाई है। 20 साल से दिवाली हमेशा से सेना पर, सेना बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ। ये भावना जो है, ये संवेदनशीलता है, वो मोदी जी को महान बनाता है। एक निडर सेनापति के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। बड़े से बड़ी चुनौतियां हो, राजनीतिक चुनौतियां तो एक बात है, मगर बड़ी से बड़ी चुनौतियां, डोकलाम में कोई अड़ गया हो, किसी ने उरी पर या पुलवामा पर हमला करा हो, मगर जहां भारत के गौरव की बात आती है, भारत की सीमा की सुरक्षा की बात आती है, भारत की सेना के गौरव की बात आती है, तो मोदी जी चट्टान से भी ज्यादा अड़ीग हो जाते हैं। और हमने देखा है कड़े से कड़े फैसले लेकर दुनिया उंगली दांतों तले दबा गई। अमेरिका और इजराइल के रावे कोई घर में घुसकर बदला लेने का नहीं सोचता था, भारत की सेनाओं ने घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। एक समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को कहा था, जब शिवाजी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मेरे लिए एक वाक्य में उपदेश क्या है, तूने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे तो घोड़े हाथी सोना चांदी खजाना बड़े बड़े राजमहल ये तेरे अधीन होंगे। और उस वक्त हमेशा तुझे एक बात रखनी है, उपभोग शून्य स्वामी बनने की। स्वामी तो जरूर बनना मगर उपभोग तुम नहीं कर सकते, जनता का है। मोदी जी ने मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ सादगी के साथ जीना वाला आदमी राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं देखा। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। और इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। मित्रों, एक देश का प्रधानमंत्री, 130 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री, एक वायु प्रवचन कर देश के नाम के संदेश में कह दे कि कल जनता कर्फ्यू है, सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। जब कोरोना आया हमें लॉकडाउन की आदत डालनी थी, तब मोदी जी अचानक टीवी पर आकर एक अपील करें कि कल जनता कर्फ्यू है, कभी अपील करें कल आपके घर के सामने एक दिया जलाइए, जागृति का दिया जलाइए, कभी थाली बजाकर सम्मान करिए जो सेवा में लगे हैं, कभी फूल बरसाकर उनका सम्मान करिए। ये सारी अपीलों को
भी तो मैंने कभी नहीं देखा। कर्फ्यू डालना पड़ता है तो नोटिफिकेशन होने के बावजूद अनेक लोग कर्फ्यू तोड़ देते हैं, उनको पकड़कर पुलिस ले जाती है, मगर एक कर्फ्यू ऐसा हुआ आज़ादी के 75 साल में जिसके प्रधानमंत्री ने जिसको जनता को सिर्फ अपील की, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, 130 करोड़ लोग में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला और कर्फ्यू हुआ। एक समय था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारे पास चावल नहीं है, अनाज नहीं है और हमें अमेरिका इसके कारण दबा रहा है, तो मैं अपील करता हूं कि शनिचर को हम उपवास रखेंगे, और मैं भी उपवास रखूँ। पूरे देश ने उपवास रखा था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सम्मान से जिसके प्रति इसकी हर बात को माना है। वो कार्यकर्ता थे तब भी परिश्रमी थे, प्रधानमंत्री थे तो अधिक परिश्रमी हैं। कार्यकर्ता थे तब भी मैंने काम करते हुए देखा है, प्रधानमंत्री है तब भी काम करते हुए दिखा है। दिन में 16 घंटा, 18 घंटा, कई बार तो 20-20 घंटा काम करना, सतत काम करना, अहर्निश काम करना उनका स्वभाव है। वो हमेशा कहते हैं मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं लगती, बल्कि हमें संतोष की अनुभूति कड़ी मेहनत कराता है, क्योंकि कड़ी मेहनत जनता के लिए है। जब एक गरीब के चेहरे पर मुस्कान आती है तब मन में संतोष पैदा होता है। मित्र भाव के साथ मेहनत करने वाला आदमी बहुत लंबे समय के बाद इस देश को मिला है, और वो जो मेहनत होती है इसका संतोष, वो संतोष का तेज और तेज से उनका दैदीप्यमान व्यक्तित्व मैंने देखा है, आपने भी देखा है, हर रोज देख रहे हैं मित्रों। इतनी कड़ी मेहनत करता है कोई तब जाकर नरेंद्र मोदी बनता है मित्रों। गरीबों के लिए सोचते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता के भांति मेहनत करते हैं, एक स्टेटमेंट्स के भांति देश के गौरव को दुनिया के सामने रखते हैं, एक टीम लीडर के नाते पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, भावुक राजनेता के नाते कई सारे भावुक फैसले लेते हैं, निडर सेनापति के नाते अड़िग चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, और उपभोग शून्य स्वामी होता है तभी जाकर नरेंद्र मोदी बना जाता है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। मित्रों, मोदी जी की कार्यशैली को हम ध्यान से देखें तो उनकी नीतियां जो है वो मानवता में से जन्म लेती हैं, सर्व समाज के कल्याण की भावना के साथ वो नीतियों के बनाते हैं। उनका संकल्प है नए भारत के निर्माण का संकल्प, दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए भारत का संकल्प, और शासन की कुनीतियों को समाप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी उनके अंदर दिखाई सकती है। और जन भागीदारी के अलावा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, वो उनका दृढ़ विश्वास है। कोई भी योजना लेकर आते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो इसके अंदर जन भागीदारी का तत्व बहुत बड़ा होता है, और मित्रों जन भागीदारी के कारण ही नरेंद्र मोदी जी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कई सारे लैंडमार्क डिसीजन लिए थे, मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय होगा, मगर कुछ चीज़ें मैं जरूर बताऊंगा। उन्होंने गुजरात के अंदर देश में सबसे पहले आपदा प्रबंधन के लिए अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था। गुजरात के अंदर जो भूकंप आया उसके बाद आपदा प्रबंधन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने पावर की क्राइसिस जो थी इसके मूल से सॉल्यूशन की दिशा में गए। हर गांव में, देश में हर गांव में 24 घंटा बिजली अगर पहली बार कोई एक राज्य में पहुंची तो हमारे गुजरात के अंदर पहुंची थी। कृषि महोत्सव के माध्यम से 10% का कृषि विकास दर, 10% का कृषि विकास दर देश में सबसे पहले अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाए। प्राथमिक शिक्षा के अंदर दो चीजें ऐसी है, धर्मेंद्र प्रधान जी यहां बैठे हैं, जो सबसे कठिन मानी जाती थी, ड्रॉप आउट रेशियो एंड 100% एनरोलमेंट। मोदी जी अपने शासन के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो को लगभग शून्य तक ले गए, और 100% एनरोलमेंट को भी
उन्होंने अचीव करने का काम किया और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जेंडर रेशियो भी ठीक करने का काम किया। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जल की बड़ी कठिनाई होती थी। हमारा 80% जल गुजरात के 9% हिस्से में था और बाकी 91% हिस्से में 20% जल था। ऐसे समय जल संचय के अभियान से 20 फुट से लेकर 80 फुट तक भूगर्भ पानी के जल स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वन बंधु कल्याण योजना और सागर खेड़ू कल्याण योजना लाकर सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी विकास का एक मॉडल खड़ा किया। और मित्रों, एक सबसे बड़ा काम जो बहुत चर्चा में नहीं आया है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या 22% से 92% ले जाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया था, जिससे माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को बहुत कम करने में गुजरात उस जमाने में चोटी पर था। माता को न मरने देना, बालक को न मरने देना, ये संकल्प के साथ ही करे थे। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इसमें से कुछ आपने नहीं सुना होगा। अगर कोई नेता होता है, छोटा सा भी काम करता है तो प्रसिद्धि करता है, अपने गुणगान कराता है, परंतु ये सारी चीजें जो लैंडमार्क चीजें हैं आपने किसी ने नहीं सुनी होगी, मगर काम हुआ है, परिवर्तन हुआ है और परिणाम भी मिले हैं। मोदी जी को कई बार देखते हैं तो लोग उनकी योजनाओं को टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। मोदी जी कभी भी टुकड़े टुकड़े में नहीं सोचते। उनका अप्रोच समस्या का संपूर्ण समाधान का है। मैं बहुत सारे उदाहरण, इतना समय नहीं होता है, मगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र का उदाहरण जरूर देना चाहता हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आज जो संपूर्ण क्रांति हुई है, इसमें सबसे पहले मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। आज भी आपके घर में एक छोटा सा बालक है और एक पिपरमिंट खाकर उसका छिलका नीचे डालने का प्रयास करिएगा, बालक तुरंत रोकेगा कि दादाजी वहां नहीं डाल सकते, कचरा पेटी में डालिए, कचरा नहीं डालना। स्वच्छता के संस्कार को नई पीढ़ी तक नीचे तक उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर उस वक्त हमें मालूम नहीं पड़ा, देश में किसी ने नहीं सोचा कि स्वच्छता के पीछे स्वास्थ्य की चिंता है। जब गंदगी होती है उसमें से ही बीमारी पैदा होती है। उसके बाद हर घर में शौचालय पहुंचाने का कार्यक्रम लेकर आए, 10 करोड़ घरों के अंदर 5 साल के अंदर शौचालय पहुंचाकर महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और देश को स्वच्छ करने का काम। मित्रों, आप कल्पना करिए, जिस घर में शौचालय ना हो उस घर की महिलाओं की स्थिति क्या होगी। भुवनेश्वर में आपको ये कल्पना नहीं आ सकती, मगर मयूरभंज जिले के किसी गाँव के अंदर जाकर आप देखिएगा तो आपको ये विडम्बना, ये दुर्भाग्य इस देश की बच्चियों का, महिलाओं का समझ में आएगा। मोदी जी ने 10 करोड़ घर में शौचालय बनाकर स्वास्थ्य को भी ठीक किया, महिलाओं के सम्मान को भी। फिट इंडिया मूवमेंट लेकर आए, उससे को उसको भी साथ के स्वास्थ्य के साथ जोड़कर वो लेकर आए। फिर योग दिन बनाने का काम किया, रोग शरीर के अंदर आ ही ना पाए इस प्रकार के शरीर की रचना करना। फिर पोषण अभियान लेकर आए, बच्चे और किशोरियों को पोषण युक्त कर बच्चा जो आने वाला है, सगर्भा माता और किशोरियों और बच्चियों को और बच्चों को पोषण युक्त आहार देने का अभियान। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से 15 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का, सभी प्रकार के टीके 20 दिन के अंदर समाप्त कर दिए 15 करोड़ बच्चों के। उसके जीवन का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया, शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा कर दिया कि इसके अंदर रोग ही ना आए। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना लाए, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का पैसा ही नहीं था, 5 लाख तक का पूरा इलाज देश के 60 करोड़ गरीबों का मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर उनके इलाज की सुविधा को करें। हमारे पास डॉक्टर नहीं थे, 5 साल के अंदर हर जिले में एक कॉलेज बढ़ाने का संकल्प किया और रिकॉर्ड सीटें बढ़ाने का काम किया। मैं आंकड़ों की मायाजाल में जाना नहीं चाहता, मगर एक और 70 साल के मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी है और एक और मोदी जी के 5 साल के सीटों की बढ़ोतरी है। इतने डॉक्टर अब देश के अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे और वेलनेस सेंटर के माध्यम से PHC CHC को भी अपग्रेड करने का काम किया।
एक स्वास्थ्य नाम की समस्या के पर 13 बिंदुओं में बांटकर किस प्रकार से समग्रता से सोचकर मोदी जी काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मित्रों, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हमने देखा है मोदी जी किस प्रकार से कोविड के समय में आपदा को अवसर में बदला है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत आगे माने जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन आज भी समाप्त नहीं हुआ। हम आज तीसरा डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं मित्रों, 200 करोड़ डोज लग गए। और डोज भी किस तरह से लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। आप गए लाइन में तो खड़ा रहे, मगर साथ में कॉफी भी पिला दी, डोज भी लगा दिया, 20 मिनट आपको आराम के लिए कुर्सी में बिठाया भी, और 30 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट भेज दिया, यू आर वैक्सीनेटेड, डोंट वरी। और मोदी जी का हंसता हुआ चेहरा भी साथ में आपके मोबाइल पर आ गया। इस प्रकार की व्यवस्था को, अपनी कोविन ऐप को दुनिया के 70 देश स्वीकार कर ले गए हैं। और आज भी दुनिया के बड़े बड़े देश, में नाम देना नहीं चाहता, उचित भी नहीं है, मगर वहाँ एक साल से वैक्सीन लिए हुए लोगों को विदेश में जाना है तो सर्टिफिकेट के लिए इधर उधर घूमते हैं। हमारा सर्टिफिकेट हमारे मोबाइल के अंदर होता है, दिखाते ही मिल जाता है। और वैक्सीन बनाने में भी दुनिया में बहुत कम देश वैक्सीन बना पाए। जब शुरुआत हुई, सुगबुगाहट हुई कोरोना की, अभी भारत में 3 ही केस आए थे, तब मोदी जी ने पहली मीटिंग वैज्ञानिकों के साथ कर ली थी वैक्सीन बनाने के लिए, अपनी ऑफिस के अंदर इसकी व्यवस्था कर दी थी। और उसी वक्त उन्होंने ढेर सारी नीतियां बनाई और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का हब बने, भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, भारत निर्यात का हब बने, इस दिशा में जाने के लिए ढेर सारे नीतियों को उन्होंने बनाया और परिणाम भी मित्रों लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। PLI स्कीम उसी वक्त आई, कई सारी पॉलिसी इसी वक्त आई, और आज विश्व में सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ने वाला हमारा अर्थतंत्र बना है। हमारा निर्यात आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हुआ है, तो 2022 के साल में हुए हैं। मित्रों, उन्होंने अनेक सारी धारणाओं को तोड़ने का काम किया है। मैं मेरी पार्टी की बात जरूर करना चाहूँगा। हमारी पार्टी को हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी कहते थे, आज पूरा नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी जीती है। गुजरात भी हिंदी भाषी नहीं, वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उड़ीसा में भी बनने वाली है। उन्होंने सभी भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया। और मित्रों, उन्होंने कहा था, हमारी पार्टी पर थप्पा लगाए थे कि व्यापारियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी। आज सबसे ज्यादा दलित सांसद अगर किसी एक पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। सबसे ज्यादा ट्राइबल सांसद अगर किसी एक पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के 27 मंत्री किसी भी प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में बने हैं तो नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर। कई प्रकार की अवधारणाओं को उन्होंने तोड़ने का काम किया है और कई सारे बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। मित्रों, 5 अगस्त अभी गया है, 5 अगस्त के दिन पूरा देश और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नारे लगाते लगाते गले सूख गए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। पूरा देश ये मानता था कि धारा 370 जब तक है, कश्मीर का भारत के साथ स्थायी जुड़ाव नहीं है। और सपना सा लगता था इस देश में 370 और 35 ए को कोई उठा निकाल सकता। 5 अगस्त की सुबह ही एक दिन अचानक फैसला हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक दिए गए। कुछ लोग चैलेंज देखते थे, खून की नदियां बह जाएगी, हजारों हजारों लोग मर जाएंगे, खून की नदियां छोड़िए, कंकर डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर डालने की, आज कश्मीर
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। वहां पंचायत के चुनाव भी हो गए, वहां लोकतंत्र नीचे तक अपनी जड़ें डालने का प्रयास कर रहा है। राम जन्मभूमि का मसला, 550 साल से करोड़ों लोगों के सम्मान का एक बिंदु था कि जहां राम भगवान का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर होना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी थी। लोग कहते थे रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से 5 अगस्त के दिन ही मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया और आज मंदिर बनना शुरू किया। ये दृढ़ संकल्प जब होता है समस्याओं के समाधान का तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मोदी जी जहां जहां गए वहां विजय गया है। मैं इसलिए कहता हूं मित्रों, 87 से 95 मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर 87 से 95 के कालखंड को मैं भूल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी 3रे नंबर की पार्टी थी। 87 से 95 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना दी। मोदी जी वहां के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। उनके संगठनात्मक नेतृत्व में पार्टी के संगठन को गांव गांव तक ले जाने का काम किया। 90 के दशक में 95 के बाद मोदी जी हिमाचल, हरियाणा और पंजाब आए, कश्मीर भी मिला। यहां पर कभी सरकारें नहीं बनती थी, हिमाचल, हरियाणा सब जगह सरकार और पंजाब तीनों जगह मोदी जी के ही कालखंड में सरकार बनी और 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से गुजरात ने पराजय का मुंह नहीं दिखा है और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 24 में भी 2/3 बहुमत के साथ विजय निश्चित। मोदी जी जहां जहां गए विजय का भारतीय जनता पार्टी ने वर्णन किया है और हमारे देश की इकोनॉमी को भी एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जब जाकर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आया, काम करने वाला प्रधानमंत्री आया, तब लोग क्वेश्चन मार्क खड़े करते थे इकोनॉमी का क्या होगा। बड़ी विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे तेजी के साथ 7.2% के वृद्धि दर के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। GST का संग्रह सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़कर आज बाहर है। सर्वाधिक निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने करा है। सबसे ज़्यादा सेवा का निर्यात, सर्विसेज का निर्यात $254 बिलियन का भारत ने किया है। वर्ष 2022 में अब तक का सर्वाधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $83 बिलियन का आया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तालिका में भी हम 63वें स्थान पर आए हैं, पहले 170वें स्थान पर अंतिम पायदान पर थे। मित्रों ये सारे परिवर्तन मोदी जी ने करे हैं। PLI, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन और ढेर सारे गरीब कल्याण के कार्यक्रम, 9 करोड़ लोगों को LPG दिया गरीबों को, 11 करोड़ शौचालय बनाए, 8 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया, लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, 11 करोड़ किसानों को अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, 2 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा 60 करोड़ लोगों को देने का काम किया, 43 करोड़ लोगों को बैंक का अकाउंट दिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लगभग 52 मंत्रालयों की 300 स्कीमों का 23 लाख करोड़ रुपया 5 साल में गरीब के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। ये पुस्तक जो है एक व्यक्तित्व के अनेक आयामों को परिचय करने वाली है। इसमें एक संवेदनशील नेता का भी परिचय है, इसमें गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाला सुधारक का भी परिचय है, इसमें समाज की समस्याओं को जड़ मूल के साथ समाप्त करने वाला समाज सुधारक और प्रसारक का भी, प्रशासक का भी परिचय है। इसके अंदर पार्टी की जड़ों को पाताल तक गहरी कर पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक फैलाने वाले नेता का भी परिचय है। अनेक प्रकार के मोदी जी के व्यक्तित्व के कई आयामों को, उनका जो व्यक्तित्व बहुआयामी है, हर आयाम के
व्यक्तित्व के हर आयाम का परिचय मोदी एट 20 के अंदर है। और मित्रों, मैं आपको अंत में मोदी एट 20 के लिए इतना ही कहता हूं कि पुस्तक बहुत अधूरी है, मोदी इससे बहुत बड़ा आदमी है, इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। बहुत सारे आयामों को इसके अंदर किसी ने लिखने, मैंने भी कुछ लिखा है, मगर मैं खुद कहता हूं कि पुस्तक अधूरी है, मोदी बहुत बड़े व्यक्ति है। और देश का सौभाग्य है कि पूरा विश्व जिस व्यक्ति को नेतृत्व नेता मानता है, वो नेता हमारा है, भारत का है और भारत का नेतृत्व है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मित्रों, देश की आजादी के रजत जयंती भी आई, सुवर्ण जयंती भी आई, अमृत महोत्सव भी आया। किसी ने भी 25 साल 50 साल को मैं किसी की टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूं, देश के भविष्य के साथ जोड़कर नहीं दिया। अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन का महोत्सव बनाया। आज बच्चा बच्चा तिरंगा लेकर घूमता है, इसके मन में राष्ट्र भावना जागृत होती है। और मेरी बात याद रखना, 13 से 15 तारीख में 20 करोड़ भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराने वाले हैं, आप भी जरूर फहराएं। आजादी के अमृत महोत्सव का उपयोग देश के हर नागरिक के मन में देश भक्ति को जागृत करने के लिए करना। आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के समाप्ति तक के 25 साल इसको अमृत काल कहकर ये 25 साल में हर क्षेत्र के भारत के लक्ष्य तय करना कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल में कहां पहुंचेगा, भारत अर्थतंत्र में 25 साल में कहां पहुंचेगा, भारत रक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचेगा, भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 साल से। और ये 25 साल अमृत काल के अंदर जो संकल्प लिए हैं, जो निर्णय करे हैं, उसकी सिद्धि के साल है। मित्रों, अगर भारत की 130 करोड़ की जनता ये 25 साल प्रचंड पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करती है, पराक्रम की पराकाष्ठा करती है, तो जब शताब्दी मनाई जाएगी, हम में से काफ़ी लोग नहीं होंगे, मगर जब भी शताब्दी मनाई जाएगी, मेरी बात याद रखना, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई दिखाई। ये जो विजन, ये संकल्प एक नेतृत्व में तभी आता है जब मैंने कहा कि उसके जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण केवल और केवल भारत को समर्पित होता है। ऐसा समर्पित नेता हम सबको मिला है, उनके नेतृत्व में हम लोग भारत में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं मानता हूँ कि उड़ीसा के युवाओं को विशेषकर ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। आने वाले दिनों में इसकी उड़िया में ट्रांसलेशन भी होगी, परंतु ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। बड़े बनने का स्वप्न अगर जीवन में प्राप्त करना है तो मोदी एट 20 जरूर पढ़ना, वहीं से प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।